मैं इस वक्त इनविटेशन दूंगा पीटीआई न्यूयॉर्क के जनरल सेक्रेटरी यासर अली साहब से कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। हमी से रंगे गुलिस्तान, हमी से रंगे बहार, हमी को नज़्मे गुलिस्तान पे इख्तियार नहीं। वतन के अजाब मौसमों में मैं इसके सिवा क्या कहूँ। तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़े वतन, जो तेरे आरज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने सहराओं को गुलजार करे। ऐ अर्ज़े वतन तेरी लहू रंग वादियों में मेरे सारे ख्वाब लहू, सरहद पंजाब लहू, सिंध बलूचिस्तान लहू, सारा पाकिस्तान लहू। कायदे आजम ने आजादी और खुशहाली के जो ख्वाब काश किए थे वो फसलें कब की इकारत गई। उनकी ताबीर के इंतजार में अवाम भूख, इफलास, नाइंसाफी, जुल्म और जबर की सूली पलट के ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं। इस मायूसी और बेबसी के तारीख आलम में एक कंदील रोशन हुई है बकौल शायर, जिस आस उम्मीद की सारी किरणें डूब चली, जिस आस उम्मीद की सारी किरणें डूब चली वो देखो फिर बोला कागा बस्ती में। जब खुदाए जलाल किसी कौम पर मेहमान होता है तो उसे मुखलिस, बेबाक और रोशन ख्याल की आदत से सरफराज करता है। कानून कुदरत है कि अदम इंसाफ के हामिल किसी भी इंकलाब के लिए नजरिया और तंजीम से ज्यादा एक रहनुमा की जरूरत होती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कौम की आशाओं उम्मीदों की डूबती कश्ती के लिए खुदा ने इमरान खान के रूप में एक हेवन हार अता किया है, जिसने अपने किरदार, इखलास और जुरत से साबित कर दिया कि अब की बार उम्मीदों की फसल लुटेरे नहीं डूब सकेंगे। आज मुस्लिम उम्मा की नजरें पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर रुकी हुई हैं और अर्ज़े पाकिस्तान की उम्मीदों का रोशन सितारा इमरान खान बा आवाज़े बुलंद हम सब को बेहिसी और गफलत की नींद से जगा रहा है। कुम बेइज़्ज़नी, उठो, जाग उठो, अपने घरों के मकाबर में ख्वाबीदा लोगों उठो, अपने ज़मीरों में मक्फून बोसीदा लोगों उठो। आसमानी किताबों ने तुम्हारी दुआओं को शर्फ के कबूलियत बख्शा है। अपने अपने हिस्से का इंसाफ लो और खुदा की बुजुर्गी के इस्बात के गीत गाओ। ये इंसाफ सूरे इसराफील है, ये इंसाफ ही दुनिया के नगमों की इंजील है। इमरान खान ने वर्ल्ड कप, शौकत खानम और नवल यूनिवर्सिटी जैसे तीन अजीम शान तोहफे पाकिस्तानी अवाम को देने के बाद हाकम नजरों से अवाम के नाम पर अवाम के लिए तख्त छीनने के लिए बसरे पेकार है, वो तख्त जो अवाम की मिरास है। आइए हम सब इस अजीम मुजाहिद का हाथों में हाथ दें। मैं तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क के मुतअद्दिद क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए आपके भरपूर तआवुन के साथ वादा करता हूँ कि हम अमरीका में तारकीन वतन की जाली और शोशा की रवायती सियासत के बरक्स कायदे इंसाफ की तरगीब में खिदमत इंसाफ और जुर्म को अपनी सियासत की बुनियाद बनाएंगे। हम पाकिस्तान में तहरीकी कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करते हुए न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों के लिए जल्द एक इंसाफ सेंटर बनाएंगे, जहां तारकीन वतन को इमिग्रेशन, सेहत, तालीम, सोशल सर्विसेज के मसाइल के हल के लिए मुफ्त खिदमात मुहैया करें, जिसके लिए आपका तआवुन दरकार होगा और यूं खिदमत और इंसाफ का सियासत का नया जन्म होगा। इंसाफ का काफिला आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, मंजिल से पहले इसे अब रोकना नामुमकिन है, अब कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। और आखिर में मैं हम अपने मुखालिफों को ये कहना चाहता हूं, याद रख ऐ मेरे दुश्मन, मेरे रास्तों में शीशा पानियों की झील मत बिछाना।
याद रख मेरे रास्तों में शीशा पानियों की झील मत बिछाना, तुम इसमें कंकर फेंकोगे, हम इसमें पांव धरते हैं, ऐसा ना करना तुम कि हम ऐसा ही करते हैं। और हां, ये हमारे यूथ और बच्चों से मैं एक और बात याद आई कि इंसाफ के मुखालिफों को एक बात बता दें कि हमारे बच्चे खानदानी बच्चे हैं, अनाथ को पूछते हैं और अजदाद की रवायत पर बलिदान करते हैं, और इनकी तरफ से इनको पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे शाही बच्चों ने अब दूध पीना छोड़ दिया, मेरे शाही बच्चों ने अब दूध पीना छोड़ दिया, तुम्हारी बेखौफ रातें अब दहशत ज़दा हो जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, बॉबी भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बारे में मैं क्या कहूं, इकबाल ने कहा है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमान।